इतने प्रोटोकॉल में मैं जिंदगी में कहीं नहीं गया। नहीं ये पास नहीं। दोस्तों मुर्गियों की सस्ती पर इस ब्लॉग का मुर्गी और सस्तेपन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने जा रहा हूँ, चलो मिलते हैं। मेरे साथ है हाजी शहबाज खुर्द साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरे दोस्त हैं, हम लोग तकरीबन एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। हाँ तकरीबन। शहबाज और मैं मिले थे जिम में। ओके, जब मैं पहली दफा शहबाज से मिला मैंने जिम में नोट किया कि भाई शहबाज सबसे ज्यादा इतनी हैवी हैवी वेट उठा रहा है और ये दुनिया में मैंने पहला बंदा देखा जो इतने ज्यादा वेट उठाता है। शहबाज ऐसा क्यों है भाई? बस उस टाइम मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था जूनियर बलूचिस्तान के लिए, तो इस वजह से वेट भी ज्यादा लगा रहा था। ओके, मैंने शहबाज भाई को बोला, शहबाज भाई मुझे कोई अच्छी सी जगह बताएं जहाँ पे मैं जाके ब्लॉग बना सकूं। शहबाज भाई बोलते हैं क्यों ना आप मेरे साथ चलें दर्श मेरे फार्म हाउस। शहबाज भाई किधर जा रहे हैं हम लोग? यार मैं आप लोगों को आज लेकर जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस जो कि दश्त में वन डे, तो छुट्टियों में हम वहाँ जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, फायरिंग ये सारे दोस्त मिलकर शगल करते हैं। शहबाज भाई हम लोगों को बहुत इंजॉय करवाने वाले हैं। शहबाज भाई है कि नहीं? हाँ क्यों नहीं, है ना, चलो चलें सर। ओके, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि शहबाज भाई के पास इतने ज्यादा कुत्ते हैं। शहबाज भाई आपके पास अभी कौन सा कुत्ता है फिलहाल? फिलहाल तो मेरे पास यही रॉटवेलर एक जिसका नाम मैंने शेडो रखा हुआ है, और एक पग है जिसका नाम मैंने स्कूबी रखा है, और एक हस्की है और इसका नाम हस्की रखा है। हस्की रखा हुआ है और जो पग है पारे का दोस्त बन चुका है और पीछे बैठा हुआ पारे के साथ। हाँ जी मेरे साथ बैठे हुए, ये देखे ना, यहाँ तक थोड़ा सा कैमरा नीचे करो और इधर। हाँ ये देख, उधर उधर देख, हाथ हिला दे आपके साथ क्या? हाथ हाथ हिला दे। मेरा नया दोस्त का नाम स्कूबी है, उसको चेन भी मैंने बनाई है। इसकी हार्ट बीट बहुत तेज है। इधर इधर जा, ये है जादू चैनल, इसको सब्सक्राइब करो। बार बार आपने पहली दफा देखा हस्की? जी सर मैंने पहली बार हस्की देखा, मैं इतना खुश हूँ। हाँ जी वाओ वाओ क्या बात, आपका दिल कर आप इसको पप्पी कर लें। मैं इसको लेके जाऊंगा आज। ये शहबाज अगर देख रहे हो, अगर कुत्ता शार्ट हो गया तो पारे ने शार्ट किया है, हम लोगों ने नहीं किया। शहबाज भाई आपको पता है मेरा भी एक कुत्ता है, आपने शायद नहीं देखा। यार मुझे तो कभी बताया नहीं है। मेरे पास जॉनी भाई है, मैं दिखाता हूँ फुटेज अगर हुई, मेरे पास जॉनी भाई मैं दिखाता हूँ। ये है जॉनी भाई, और जॉनी भाई हमारी सारी ट्रिप में हमारे साथ होते हैं। जॉनी भाई एक्चुअली मुझे उसकी नस्ल का नहीं पता कौन सी नस्ल है, जिस तरह आपने बोला कि बहुत अच्छी आपके पास नस्लों के कुत्ते, हस्की है और भी है जो कि मुझे नहीं पता। जानवरों का बहुत शौक है, बहुत सारे मैंने जानवर पाले हैं। मैंने अभी बस एक इरादा है, दूसरा एक पेट लाने का। वो कौन सा? और वाइल्ड है वो लॉयन। लॉयन, अगर आप लॉयन लाएंगे फिर व्लॉग में आना चाहिए वो। बेशक क्यों नहीं आएगा, आएगा उसमें उसके व्लॉग में। इस तरह करेंगे ना कि पारे को कर लेंगे, पारे को उसके सामने डाल देंगे। सही हो गया, ठीक है ना। हाँ बस पारे को डाल देंगे। पारे रेडी है तू? ठीक है भाई। हाँ रोलते कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रोलते हम पारे की है व्लॉग में, कुछ भी हो जाए। ओके मेरे साथ है आज उमेर साहब, कैसे हैं आप सर? अगर किसी को पता नहीं है ये जो रैली रेस होती है ये यंगेस्ट पूरे बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यंगेस्ट है भाई। कैसा लगता है आपको जब आप गाड़ियां चलाते हैं इतनी तेज? मैंने यहाँ देखा हुआ इनको गाड़ियां चलाते हुए, इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं कि भाई सांस जो है ना बंद हो जाता है। और आपको शौक कैसे पड़ा? शौक तो वाले साहब को था, तो हमें भी बचपन से बड़ा शौक वाले साहब के साथ हमेशा थे। और ये मुझे बताएं आप सबसे पहले कि आपने कितनी रेस में हिस्सा ले चुके हैं आप? फर्स्ट टाइम बुलन रेस हुई थी उसमें हमने पार्टिसिपेट की थी, गवादर में भी पार्टिसिपेट किया, जलमक्सी में पार्टिसिपेट किया है, और आगे इंशाल्लाह डकार रैली में भी इरादा है हमारा। आप कौन सी पोजीशन आपने हासिल की थी गवादर रैली? गवादर में सेकंड आया था, जलमक्सी में भी एक दफ़ा सेकंड आया था, और एक दफ़ा गाड़ी ख़राब हो गई थी। आपकी वैसे गाड़ी ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं दिखाता हूँ इस तरह की, मतलब बनी हुई प्यारी गाड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, और जो कलर है यार।
आइंदा मैं आपके साथ नहीं बैठ रहा। ओके, मैंने अगर तारुफ नहीं कराया, मेरे साथ नवीद भाई भी हैं। नवीद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पहले। नवीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे। नवीद भाई पढ़ाई कैसे चल रही है? बंदा पढ़ता बहुत है, बहुत पढ़ता है। अभी आप कहाँ थे? लाइब्रेरी में थे? जी हाँ, लाइब्रेरी। हम लोगों ने लाइब्रेरी से उनको उठाया। शहबाज भाई की जो कौम है वो है कुर्द। आप बताएं कि ये मतलब आपके ये जो ये कौम है ये कहाँ से, मतलब का ओरिजिन क्या है? बेसिकली ये इराक से है। मैं तो कुर्द हूँ और मैं इरावी बोलता हूँ ना, तो वहाँ के जो कुर्द है वो कुर्दी बोलते हैं। कुर्दी जो अपना जुबान होते हैं उनका इराक में। माइग्रेट हो गए थे बलूचिस्तान, और लोग वैसे कहते भी, बुक्स में भी लिखा है कि सारा जो बलूच कौम है ये कुर्द से निकला है। दश्त का रास्ता ये जो आप देख रहे हो सामने, ये तकरीबन वो यहाँ से लेके लेफ्ट पार्ट तक बिल्कुल ये सारा हमारा, ये सारा कुर्दों का है। अच्छा, और राइट पर भी अभी तो क्योंकि लोगों ने बेच भी दी अपनी ज़मीन, पहले ये सारा बिल्कुल दश्त सारा कुर्दों का था। अच्छा, अभी तो लोगों ने बहुत सारे ज़मीनें बेची है। इतने प्रोटोकॉल में मैं ज़िंदगी में कहीं नहीं गया। आप गए पारे भाई? सर मैं कभी नहीं गया, लेकिन इसने भी बहुत तंग किया भाई। ओके, दश्त जो है वो कोयटा से 30 किलोमीटर दूर है। दश्त में बहुत अच्छा फार्म हाउस है शहबाज भाई का, और मैं कभी गया नहीं, लेकिन आज शहबाज भाई लेके जा रहे हैं, हमें पूरा टूर कराएंगे। और शहबाज भाई और क्या क्या करवाने वाले हैं आप वहाँ पे? स्विमिंग पूल है, वहाँ पर स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग भाई मुझे स्विमिंग नहीं आती है। फायरिंग? फायरिंग वो हल्की फुल्की आती है। फायरिंग करेंगे, फायरिंग सिखाएंगे आपको। फायरिंग सिखाएंगे, सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। अगर आप लोगों के पास गन है ऐसे यूज़ मत करें, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करें। शहबाज भाई आप हमेशा ऐसे प्रोटोकॉल में जाते हैं या आज ही? नहीं यार, हमेशा जाता हूँ। मसले हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके वजह से ये सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। पिस्टल भी रखना पड़ता है, जो कि मेरे मुँह के आगे थी। सर आप मुझसे दूर ही रहें तो बेहतर है। ओके, अभी हम लोग शहबाज भाई के पहुँच गए फार्म हाउस पर, और मैं फार्म हाउस दिखाता हूँ। बहुत ही आला जगह यार, खामोशी इतनी अच्छी है, मतलब कि यार हाय हाय क्या ही बोल सकते हैं बस। नवीद भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? आप तो आते रहते हैं। अच्छा, आप तो आते रहते हैं। बिल्कुल, वो आपका दोस्त आ रहा है यार, ये मुझे पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, दूर करो भाई, कुछ नहीं होता है यार, ये चाटता बहुत है बंदूक। ओके, मैंने ये फार्म हाउस की तस्वीरें ना बहुत सारे लोगों के इंस्टा पे देखी हैं, वो लोग अपलोड करते हैं, बोलते हैं हमारा फार्म हाउस है। तो मैं भी इस तलाश में था, मैंने कहा ये फार्म हाउस है किसका, ये मुझे पता करना है। तो फाइनली पता चला कि नहीं, ये शहबाज का है। शहबाज ने पिक्स दी थी, शहबाज ने कहा मेरा आओ। सारे लोग जो फेक तस्वीरें देते हैं और अपना नाम देते ना कि नहीं मेरा है, ये झूठ बोलते हैं यार। सोशल मीडिया पे आज के हाल आ रहे कि इंस्टा पे लोग दे रहे हैं क्विटा में कि हमारा फार्म हाउस है, और टैग किसी और को कर रहे हैं। हर कोई मुझे मैसेज करके अभी बोलेगा कि हमें शहबाज भाई को बोलो हमें भी फार्म हाउस जाना है। तो आपका क्या है, आप आने देंगे किसी को कि नहीं आने देंगे? पहले लोग आते थे यहाँ पे, बहुत सारे तस्वीरें लिए सोशल मीडिया पे दिए हैं, तो लोग अपना कर रहे हैं, ये मेंशन नहीं कर रहे कि कुर फार्म हाउस है। हाँ जी, लोग अपना बना रहे हैं। जिस तरह अभी मैं जाऊँगा अभी मैं बोलूँगा जाजिफ फार्म हाउस। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन खैर इसी वजह से नहीं छोड़ते। तो मतलब अभी कोई भी दोस्त आते हैं, जैसे आप हो गए, सिर्फ दोस्त आते हैं और कोई नहीं आता। तो मुझे कमेंट्स में नहीं बोलना कि हम लोगों ने जाना है, प्लीज अपने दोस्त को बोलूँ कि हमें भी अलाउ कर दे, ऐसा नहीं है। कोई अलाउ नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई अलाउ नहीं होगा। शहबाज भाई AK-47 कितने के लिए आपने? नहीं पता, नहीं पता कि पबजी वालों ने गिफ्ट किया शहबाज भाई को। शहबाज भाई छरे किधर डलते हैं? ओके शहबाज किधर जा रहे हैं अभी हम लोग? यार अभी आप लोगों को ले जा रहा हूँ फायरिंग करवाने। पहले फायरिंग नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग करेंगे। और मैंने पहले गन चलाई हुई, ये सभी वाले ब्लॉग में भी चलाई है, नहीं देखा यहाँ पे देखो। और अभी शहबाज हमें कौन सी गन चलाएंगे आज? AK-47 और पिस्टल टोरस। चलें भाई, पर भाई आपने कौन कौन सी गन चलाई? मैंने यार AKM। अच्छा, मेरी फेवरेट है कार 98। अच्छा, और सबसे अच्छी वो है उजी। स्कारल भी चलाई होगी आपने? स्कारल भी अच्छी है, M416 भी अच्छी है। M16 नहीं अच्छी, M16 नहीं अच्छी, नहीं वो तो भाई पहले लूट तो कर लो ना यहाँ से, पहले लूट कर लो। लूट करें ये, इधर सिर्फ वो फ्राइंग पैन ही पड़ा हुआ है, इधर सिर्फ फ्राइंग पैन ही है। निशाना किधर मारना है? वो सामने भी पत्थर पड़े हैं। कौन सा? वो छोटे वाले। मुझे ये नहीं दिख रहा यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कहाँ दिखेगा मुझे? आपको दिख रहा है? निशाना मारे फिर। ओके, अभी हम लोग शूटिंग रेंज में हैं और यहाँ पे हम लोग अभी गन चलाएंगे। और पारे भाई निशाना जो होगा वो पारा भाई होगा। पारा भाई खड़े होंगे, सर के ऊपर अपने सेब रखेंगे, सही पारे भाई? यार ये हर चीज ना मेरी, और मैं सबसे पहले चलाऊंगा। नवीद निशाना लगेगा? इंशाल्लाह लगेगा। पारे अगर इनका निशाना लग गया इनको क्या मिलेगा? जीतने वाले के लिए हमने भालू रखा हुआ है एक। हाँ जी, ठीक है। और कभी नवीद भाई के हाथ में कोशिश करेंगे मार लें।
या इसके लिए? किसके लिए? वो जिसमें मैंने मारा ये। अरे रोज पहले चरे वाली चलाई इसी वजह से लग रहा है एक बार नोट करना। सर मैं चरे वाली चलाता हूँ, मैं चरे वाली चलाता हूँ, आज पहली दफा चला रहा हूँ। पता नहीं मैं मार सकता। ये क्या ही बात है। तो भालू भाई का हुआ ये, भाई ने निशाना मार दिया, भाई को भी भालू गिफ्ट करेंगे हम लोग। बड़ा वाला छोटा वाला? भाई बड़ा वाला भालू, ठीक है। डोंट ट्राई दिस एट होम, ये नहीं करना। बी स्मार्ट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब कुछ करना है। जिस तरह ये बचपन से गन चलाते आए हैं, है कि नहीं? हाँ जी। तो पानी वाली गन से इन्होंने अपना आवाज किया। पानी वाली गन से अपने अपना आवाज किया। पानी फिर छरे पे आए और आपको बचपन में ईद पे लेते थे, छरे वाले खेलते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है टैंक पे आ जाएंगे। फिलहाल तो टैंक पीते हैं अभी तक। टैंक पीते हैं, क्या ही बात आपने कर दी, स्पॉन्सर कर दिया आपने टैंक को। ये है स्कूबी डू, वेयर आर यू। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये। सेफ्टी फर्स्ट, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ जी, ये पी आई ए से चोरी की है शबाज भाई ने। आए शबाज भाई, ये लाइफ जैकेट जो है ये पी आई ए की है। ये पी आई ए की है। आपने जब भी आप जाते हैं कहीं पे आप नीचे से उठा के ले आते हैं? नहीं यार, किसी दोस्त ने उठा के लाया था। आपकी तरह कोई दोस्त? मेरा दोस्त था मेरा, मेरी तरह। आपकी तरह? मेरी तरह चोर। जिगरी, जिगरी। अच्छा अच्छा, वैसे मेरी तरह चोर। आजकल जो पी आई वाले बेच रहे कबाड़ी मबाड़ी मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तभी वहाँ से लिया है? चोरी नहीं की, चोरी नहीं की। ये देखे कैसे उनको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी शामिल थे चोरी में। भाई बोल रहे हैं ऐसे नहीं है। मैं डूब ना जाऊं इसलिए अभी इसमें हवा फुलानी पड़ेगी। फुलाएं भाई दोनों। बस बस बस, नाउ एंजॉय। एंजॉय कैसे? मे यू सफर। चले, गर्दन नहीं हिल रही पर मैं स्विमिंग कर। ऐसे लग रहे हैं आप, एक्सीडेंट हुआ था और आपकी नेक के लिए डॉक्टर ने ये दिया। देखे नेक के लिए ये नहीं दिया, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं इससे गर्दन नहीं हिल रही, इसका मतलब मैं तैर सकूंगा। अब देखिए आप मैं क्या करता हूँ। नजर आ रहा है, से जाते रहो ना नीचे। इस सीढ़ियों से नीचे जाते रहो। ओ ठंडा, पहले कोई और जाए, मैं नहीं जा रहा। शहबाज भाई पहने क्रिश लग रहे हैं, क्रिश। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। अभी डाइव मारने लगे हैं। मारे भाई, सब ने छलांग मार ली, मुझसे नहीं मारी जा रही, ठीक है। मैं डरता हूँ। और ये भी है, ये पहले फूल गए। लाइफ जैकेट नहीं, ये बात नहीं, ये बात नहीं, ये बात कसम से कह रही, ये बात कसम से। इसने बचा दिया। सही है, मैं सीधा नहीं हुआ जा रहा, कोई सीधा करे मुझे। अभी सीधा कैसे होगा? सीधा रहा, सीधा नहीं हो रहा। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, शहबाज ने मुझे अंदर फेंका है और मेरी ट्यूब निकल गई थी। और मेरी ट्यूब वैसे थी, मैंने ऊपर से पकड़ के मुंह पे डाली है। पकड़, ओ अंदर से खींचा मुझे रेल ने। रेल ने, रेल। मैं सर्वाइवल सीख रहा हूँ, मैं स्विमिंग नहीं सीख रहा। मैं ये सीख रहा हूँ कि पीआईए वालों ने अगर गिरा दिया कभी जहाज पानी में तो मैं किस तरह बचूंगा। ऐसे ओके, अगर तुम लोग मेरी टेंट से परेशान हो कि मेरी टेंट कैसे होगी, पारे ने पिछले ब्लॉग में मेरी टेंट कर दिया। अगर तुम लोग नहीं देखा, देखो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान टाइटल है वीडियो का, यहाँ पे क्लिक करके देखो। ये क्या मटका सा मेरे सर में डाल दिया पीआईए का। I can't wait to leave this town, cause baby I've been feeling down, the cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the bird and drive real far, put that record on me dark. Oh, ooh, I'm dreaming of you, I dream of a new night. Ooh, fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I, come close and come back this fight.
ओके भाइयों, किसी ना किसी तरह स्विमिंग हल्के फुल्के सीख ली है। ये तुम लोगों का और मेरा साथ होएगा कि ये जो मेरी जर्नी है यूट्यूब वाली, इसके दौरान मैं स्विमिंग सीख पाता हूँ कि नहीं पाता। आज मेरा काफ़ी जो डरने वाला जो था, क्या कहते हैं, खौफ था, वो ख़त्म हो गया स्विमिंग वाला। मतलब आज मैंने डाइव भी सही तरह मारी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। करो हो गया। अभी नवीद भाई बताएंगे मस्तूम के केक के बारे में जो हम लोग खा रहे हैं। मस्तूम बताएं। भाई ये बहुत ही फेमस केक है, पूरे पाकिस्तान में जाता है, यहाँ से कोयटा जो भी आता है तो मस्तूम का केक जो है लाजमी लेके जाता है। ये जो है केक है, ये बहुत फेमस केक है, ये मस्तूम का केक है। ये देखो थोड़ा इस तरह दिखता है ये। और नवीद ऐसे दिखता है। इसको भी क्या हाल है आपका? इसको भी आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। होप कि तुम लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं सबसे हफ्ते बनाता हूं, मैं लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे। और मैं सबसे मिलता हूं अगले हफ्ते। बाय।